बोले कौन बहन? भगवान कहने लगे मेरी बहन। कौन आपकी बहन? बोले मेरी बहन द्रौपदी। रुक्मणी कहने लगी तो आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं प्रभु, आप जल्दी जाइए ना, उन्हें बचा लीजिए जाकर। भगवान कहने लगे बात तो यही है ना, वो पगली संसार के लोगों पर आशा लगाए है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते वो तेरी रक्षा क्या करेंगे। इतना कहकर भगवान कृष्ण फूट फूट कर रोने लगे और एक बात कही, रुक्मणी मैं ये सोच रहा हूँ मेरी बहन, आधा नाम नहीं पूरा नाम नहीं, मेरा आधा नाम लेकर ही मुझे पुकार ले, मैं तुरंत दौड़ कर जाऊं और जाकर के अपनी बहन को पापी के फन से मुक्त कर दूं। भगवान कृष्ण बैठे बैठे रो रहे हैं, रुक्मणी जी से कह रहे हैं, इधर द्रौपदी के हृदय से आवाज आई, अरे पगली पुकारना है तो अपने कन्हैया भैया को पुकार। और जैसी ये आवाज आई तैसे ही द्रौपदी ने पल्ला तो छोड़ दिया, दुशासन ने झटका मारा पल्ला तो दांतों से छूट गया, ऐसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और एक बात कही, भैया अगर मैं नगिन भी हो जाऊंगी तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन याद रखना भैया ये संसार के लोग तेरे नाम पर विश्वास करना बंद कर देंगे भैया। और रो करके द्रौपदी चीख करके बोली, भैया लाज बचा लो आके कृष्ण मुरारी, वही ना तुम्हारी लुटी जा रही है, लाज बचा लो आके कृष्ण मुरारी, वह ना तुम्हारी लुटी जा रही है, या सकुनी मामा ने जाल भी छुपाया, खेल के जुआ उसने हमको छुपाया, खेल के जुआ उसने हमको हराया, ना हर के बहसी गैया मरी जा रही है, ना हर के बहसी गैया मरी जा रही है, वह ना तुम्हारी लुटी जा रही है। द्रौपदी रो कर कह रही है, भैया मैं तुझे ऐसे ही नहीं पुकार रही हूँ, मेरा एक एहसान भी है तेरे ऊपर, अंगुली कटी थी जिस दिन भैया तुम्हारी, याद करो कन्हैया भैया, अंगुली कटी थी जिस दिन भैया तुम्हारी, कोरी चुतरिया मैंने झट से थी फाड़ी, अंगुली कटी थी जिस
जिस दिन भैया तुम्हारी कोरी चुनरिया मैंने झट से थी फाड़ी, वचन निभा दो भैया लाज जा रही है, वचन निभा दो भैया लाज जा रही है, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। जैसे ही द्रौपदी ने रो रो कर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, प्यारे